हमारे संगठन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री बकवाड़ा, AIBRS के श्री गुप्ता जी, असिस्टेंट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है, वो भी पता रहे हैं, यहाँ मंच पर है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर रिटायरिंग ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री श्री दत्त किशोर जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंसल जी, वो भी हमारे साथ है। एक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री मेहरोत्रा जी, वेबसाइट एक जो पॉपुलर वेबसाइट है जिसको अब ऑल बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से आप लोग सब जानते हैं, उनके प्रतिनिधि या कर्ता हर्ता सब है, वो श्री राजेश गोयल आज पधारे हैं, और उनके साथ विकास जी भी है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज का जो इवेंट है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं सबका। पटियाला बैंक के जो अभिलाभ है वो भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रेस से आए हुए जो प्रतिनिधि है उनका भी स्वागत है। आज का ये जो धरना का कार्यक्रम है वो आरबीओएमसी की तरफ से हम सोच रहे थे कि ये दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किए, इतने सारे लेटर हम लिखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मगर ये जो सरकार यहां बैठी है वो कुछ करती नहीं, और इसीलिए सरकार के कान पर हमारी आवाज पहुंचे इसलिए आज का कार्यक्रम यहां हमने आयोजित किया। मैं आशा करता हूं कि हम सब एकजुट यहां हुए हैं तो एक आवाज लगाएंगे, वो आवाज सरकार आईबीए के जो चेयरमैन है वो भी यहां बैठे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन है, उनके कान तक पहुंचेगी। मेरे साथियों, सबसे पहली जो आवश्यकता है हमारी रिटायरिंग की वो है कि हम सब लोग से एकजुट एकता होनी चाहिए। वो एस्टाब्लिश हुए हैं, मगर आज की दीड क्या है, आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत ये है कि हम सब से एकता होनी चाहिए, हम सब एकजुट होकर एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े होकर हमको ये कहना चाहिए सरकार को कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें। अब और कुछ मैं कहूंगा, इसके पहले मैं थोड़े से स्लोगन आपसे आपके सामने रखूंगा, उसको आप अनुमोदन देंगे एक आवाज से। हमारी मांग सबको पेंशन, हमारी मांग सबको पेंशन, हमारी मांग सबको पेंशन, हमारी मांग सबको पेंशन। अभी आप कहेंगे पेंशन का पेंशन का संशोधन, हमारी मांग 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 पेंशन का संशोधन। अब तीसरा, हमारी मांग संगठन को मान्यता, हमारी मांग संगठन को मान्यता, हमारी मांग संगठन को मान्यता, हमारी मांग संगठन को मान्यता।
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो डी ट्रेनिंग में बैठते हैं सेक्रेटरी का उसके पास पहुंचे। अब साथियों, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि एक अम्ब्रेला के नीचे हम सब लोग इकट्ठी हुए के कोई भी आप एसोसिएशन का आप एफिलिएशन हो या मेंबर हो या एक वैयक्तिक इंडिविजुअल हो, मगर आज की जो भीड़ है वो सब वो एकत्रित होता है और जब हम एकत्रित होकर कुछ काम करेंगे तो ही हमारी आवाज सुनाई जाएगी और हमारी जो मांगे हैं जो लॉन्ग पेंडिंग मांगे हैं बहुत पुरानी ये मांगे हैं। 1998 में रिटायर मैं हुआ 1998 में, उसके पहले 25 साल पहले ये मांगे मिस्टर हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है मिस्टर बकवाड़ा वो आगे चला रहे अभी तक। तो इसमें क्या है कि हम लोग सब जुड़े हो गए, हमारे बंसल साहब जो यहां बैठे हैं वो भी 80 के आसपास है, मिस्टर बकवाड़ा 84 क्रॉस कर चुके हैं, मेरी उम्र 75 में क्रॉस कर चुका हूं। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकार सुने और सुनने के बाद उसको कार्यान्वित करें। तो आप जब सरकार ये हमारी मांगे को परिपूर्ति करेंगे तो उसका लाभ हमको अभी मिलेगा, हम ऊपर जाएंगे और लाभ देंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए सरकार से हमारी जोरदार मांग है कि वो हमारी आवाज सुने और वो कार्यशील बने, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम महंगाई को रोक रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि महंगाई रुकी हुई है, प्याज के क्या दाम है और हम लोग रिटायरी कहां जाएंगे, हमारा पेंशन संशोधन नहीं हो रहा है, जो ग्रुप लेफ्ट ओवर है जिसको पेंशन नहीं दी जा रही वो कितने सफर कर रहे हैं, रिजाइनिस है, दूसरे लोग हैं जो डिसमिस हुए हैं उनको भी पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो सबको हमारी मांग है सबको पेंशन मिलना चाहिए और ये जो महंगाई ऊपर जा रही है तो हमारा जो बेसिक पेंशन है उससे संशोधन भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम जो आप व्यक्ति करें उसी के मुताबिक। और सरकार हमेशा ये कह रही है कि हमारी लोकशाही बहुत मजबूत है, कोई मजबूत नहीं है, हमारी लोकशाही भले बड़ी हो सकती है औरों के और जो देश है उनके मुकाबले, मगर हमारी लोकशाही कार्यशील नहीं है, उसमें कोई स्थिरता नहीं है और हमारी लोकशाही थोड़ी सी डे बाय डे जैसे जैसे दिवस जा रहे हैं उससे लोकशाही हमारी वीक हो रही। अब सरकार की बात करो, सरकार न तो कोई निर्णय ले सकती है न कुछ काम कर सकती है, सब लोग अपना अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो मैं सबको आशा करता हूँ सब ये पॉलिटिशियंस है तो इश्यूज को समझो और उसमें कोई ठोस निर्णय ले, सभी काम करता है। अदरवाइज हम आंध्र प्रदेश से आए हैं, कोई मद्रास से आए, कोई पुणे से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, कोई गुजरात से आए, तो इन लोगों को आप क्यों कष्ट दे रहे हो? आपकी जो जगह है वो घर में आराम करने की हो, थोड़ी हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एकता बनाए रखें। रिटायरिस की रिटायरी हमेशा अभी भी कार्यशील है, थके हुए नहीं है, हम लोग थके हुए नहीं है, अब बुरे हो गए हैं, अब आज 75 है, 76 हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे, मगर हम लोग थके हुए नहीं है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो थोड़ा हमारी मांगे सुने, हमारी आवाज सुने और हमारी जो मांगे है उसको अनुमोदन करें। इन शब्दों के साथ फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका सबका आयुष्य लंबा रहे और आप सब लोग स्वस्थ रहे अपने परिवार के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूंगा, धन्यवाद, नमस्कार।